गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि कल हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 में प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 बताया था। प्रॉब्लम नंबर 3 बताने से पहले हम बता दें कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल तब होता है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और PGT फॉलो करे, दोनों बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करा इन फिगर 6.53 ABD ट्रेंगल राइट एंगल एट ए। ABD एक राइट ट्रेंगल है, राइट एंगल एट ए है। एंड AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD शो डैट AB² इज इक्वल टू BC × BD फर्स्ट पे, सेकंड पे AC² इज इक्वल टू BC × DC एंड थर्ड पे AD² इज इक्वल टू BD × CD। ये 3 प्रूविंग करनी है। देखिए हम फिगर में आ जाएंगे। ABD एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए है और AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए इन ट्रेंगल BAC एंड BDA, इन दो ट्रेंगल में हम देखेंगे एंगल C जो है वो एंगल E के इक्वल है ईच 90 डिग्री। और फिर देखिए कि BAC BDA के इक्वल है, BAC ये भी 45 का है और BDA ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो दोनों एक्यूट एंगल है, इसलिए ये परपेंडिकुलर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDA। फर्स्ट इक्वेशन इन ट्रेंगल ABC छोटे वाले ट्रेंगल में आ जाएंगे, BAC प्लस CBA इज इक्वल टू 90। रीजन क्या है, किसी भी राइट ट्रेंगल के 90 के अदर दो ट्रेंगल एक्यूट एंगल होते हैं और उनका सम 90 डिग्री होता है, तो BAC और CBA एक्यूट एंगल है और इनका सम 90 होगा, ये सेकंड इक्वेशन। इन ट्रेंगल ABD BDA प्लस CBA इज इक्वल टू 90, ये भी दोनों एक्यूट एंगल हैं, बड़े वाले ट्रेंगल के राइट एंगल ट्रेंगल जो ABD है उसके BDA और CBA एक्यूट एंगल है, दोनों का सम 90 होगा। सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड राइट साइड इक्वल है, 90-90 है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, एंगल BAC प्लस CBA इज इक्वल टू एंगल BDA प्लस CBA। देखिए यहाँ पे CBA CBA हम कैंसिल कर देंगे तो BAC BDA के इक्वल हो जाए। फिर हम दो ट्रेंगल में आ जाएंगे, ट्रेंगल BAC एंड ट्रेंगल BDA, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A ईच 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल BAC BDA के इक्वल है, अब प्रूव है। सो ट्रेंगल BAC सिमिलर ट्रेंगल BDA, अगर किसी भी दो ट्रेंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो ये क्राइटेशन से ट्रेंगल सिमिलर होगा, और अगर ट्रेंगल सिमिलर होगा तो साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। BA/BD इज इक्वल टू BC/BA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BA² इज इक्वल टू BC × BD, यानी AB² इज इक्वल टू BC × BD। सेकंड वाले में हम आ जाएंगे, इन ट्रेंगल ACB एंड ट्रेंगल DCA, सेकंड में प्रूफ क्या करना है, AC² इज इक्वल टू BC × DC। इन ट्रेंगल ACB छोटा वाला ट्रेंगल एंड ट्रेंगल DCA ये छोटा वाला, दोनों ट्रेंगल की सिमिलरिटी हम प्रूव करेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA ईच 90 डिग्री, दोनों के एंगल 90 डिग्री के हैं, एंगल BAC ADC के इक्वल है, अब प्रूफ किया, इधर प्रूफ किया जा चुका है। सो ट्रेंगल ACB सिमिलर ट्रेंगल DCA बाई ए क्राइटेशन। अच्छा, अब जब ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होंगी, AC/DC इज इक्वल टू BC/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC² इज इक्वल टू BC × DC। थर्ड पे आ जाएंगे, इन ट्रेंगल ADB एंड ट्रेंगल CDA, ADB और CDA की सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCA ईच 90 डिग्री, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ADC कॉमन एंगल, दोनों कॉमन एंगल हैं BDA और ADC। सो ट्रेंगल ADB सिमिलर ट्रेंगल CDA बाई ए क्राइटेशन, अगर ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होगी, AD/CD इज इक्वल टू BD/AD, AD को AD से मल्टीप्लाई, AD² इज इक्वल टू BD × CD। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, ABC इज आइसोस्केल राइट ट्रेंगल एट सी, प्रूव दैट AB² इज इक्वल टू 2AC² है। ABC एक राइट एंगल आइसोस्केल ट्रेंगल है, राइट एंगल एट सी है, इन ट्रेंगल ABC इज आइसोस्केल ट्रेंगल राइट एंगल एट सी। अच्छा, जब आइसोस्केल है तो दो साइडें इक्वल होंगी, AC इज इक्वल टू BC, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या होगी, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फर्स्ट और सेकंड को हम देखेंगे तो इन
फर्स्ट सेकंड को जब देखेंगे तो इन ट्रेंगल एसीबी, एसीबी में हम आ जाएंगे पीजीटी लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रेंगल बताया गया है। राइट एंगल ट्रेंगल पे पीजीटी अप्लाई होती है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ए सी को ए सी स्क्वायर लिखेंगे, बी सी जो है वो ए सी के इक्वल, तो बी सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिख देंगे, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए सी बी सी के इक्वल है और ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर के इक्वल बताया गया है। गिवेन ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अच्छा, टू ए सी को हम डिवाइड कर देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, टू ए सी स्क्वायर, और ए सी चूंकि बी सी के इक्वल है तो ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये पी जी टी फॉलो कर रहा है, यानी अब ये बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आर साइड इक्वल हो, ए बी बी सी ए सी सब इक्वल होगी, यानी 2a 2a 2a। देखिए ए डी हमने ड्रा किया, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, एल्टीट्यूड ड्रा किया इन राइट ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ए डी ए डी के इक्वल कॉमन साइड एंगल, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। सो अच्छा, ए डी के इक्वल कॉमन साइड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। अच्छा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवेन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो साइडें इक्वल होंगी, तीनों साइडें इक्वल होती है तो ए बी ए सी के इक्वल होगा, सो ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं, डी बी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगा और डी बी को हाफ बी सी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट पे है बी सी के। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि 1/2 बी सी 2a के इक्वल है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो डी बी की वैल्यू a हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, हम इन राइट ट्रायंगल ए डी बी में आ जाएंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाई पी जी टी। ए बी स्क्वायर यानी ए बी की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू a है a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू रूट 3 और a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a, यानी ऑल अल्टीट्यूड इक्वेटर एंगल की जो इक्वल होती है वो रूट 3a होगी।